जी जल्दी जल्दी जे के सी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको नए नए लोगों से मिलाया जाए और हमेशा हम नई शख्सियत से आपको मिलवाते हैं। और जम्मू की बेटियों की बात करें, जम्मू कश्मीर की बेटियों की बात करें, तो जम्मू कश्मीर की बेटियां जो हैं उन्होंने पूरे देश की बात करें तो देश में ही नहीं विदेशों में भी अपने कामयाबी के जो झंडे हैं वो गाड़े हैं। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, अर्जुमन मुगल इनका नाम है, और राजौरी ज़िले के लंबेड़ी इलाके की बात करें तो वहाँ की ये रहने वाली हैं और वहाँ से चलकर बॉलीवुड का सफ़र इन्होंने तय किया है। उस सब पर हम बातचीत करेंगे। अर्जुमन, सबसे पहले तो स्वागत करूँगा आपका। हेलो अर्जुमन, कैसा सफ़र आपका रहा कि आप जम्मू कश्मीर का एक लंबेड़ी ज़िला था, वहाँ से निकली, बॉलीवुड तक पहुँची और धूम मचाई आपने वहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का सफ़र रहा? देखिए, कोई भी सफ़र आसान तो नहीं होता, मुश्किलें तो हर काम में आती ही आती हैं, मगर जिस इंसान के अंदर, अपने खुद के अंदर एक स्ट्रेंथ कह सकते हैं आप, जिसकी स्ट्रेंथ अंदर से पावरफुल होती है, वो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल किया जा सकता है, वो इंसान कर सकता है हासिल। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है अगर देखा जाए, मगर मुझे लगता है कि ये बहुत तकदीर पे भी डिपेंड करता है कि मेरी तकदीर में ही ऐसा लिखा था कि मैं इस फील्ड में जाऊँगी, मुझे ऐसा लगा। मगर वहाँ पे जाने के बाद जब काम मिलता है तो डेफिनेटली मेहनत तो करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ तक आप पहुँचे तो फैमिली की सपोर्ट आपको काफ़ी रही होगी। सबसे इसी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का लंबेड़ी इलाके की बात करें तो छोटा सा गांव है, वहाँ की लड़की अगर बॉलीवुड में पहुँचती है तो काफ़ी मेहनत भी तो इसके पीछे रही होगी, लेकिन माँ बाप का साथ जो है, फैमिली सपोर्ट किस तरह की रही आपको? मेरी फैमिली तो हमेशा से मेरे साथ में थी, मेरे माँ बाप का सपोर्ट हमेशा मुझे रहा, क्योंकि वो जब हम बहुत छोटे थे तो हम लोग एक्चुअली, मैं मेरे फादर के साथ दिल्ली में शिफ्ट हुए थे और हम लोग यहाँ से जम्मू से जम्मू में आते जाते रहते थे। मेरा गांव है लंबेड़ी, तो हम लंबेड़ी से जम्मू आते थे और यहाँ से हम लोग बस से दिल्ली जाया करते थे और ट्रेन से जाते थे। और फिर उसके बाद मैं वहाँ से जो है, जो मेरी शुरुआत हुई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, वो मॉडलिंग से हुई और बहुत सालों तक मैं मॉडलिंग में करती रही, और जिसमें मैंने एक, बहुत एक, 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 एक यहाँ पर रोकूंगा। आपकी जो बॉलीवुड की सबसे पहली फिल्म थी वो कौन सी थी, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो ये जानना चाहेंगे। जी, मेरी पहली फिल्म थी, एक्चुअली बॉलीवुड की पहली फिल्म थी यारब, मगर वैसे मैंने तमिल फिल्में पहले की थी और तमिल फिल्म मेरी पहली थी पजानिया पकलूरी। सो यारब से मेरी शुरुआत हुई, जो फिल्म डायरेक्ट की थी हसनैन हैदराबाद वाला ने। और उसके बाद मैं रिसेंटली, मेरी एक फिल्म आई थी ओ पुष्पा आई हेट यस, जिसके डायरेक्टर थे दिनकर कपूर। और अभी मेरी एक और फिल्म आने वाली है तीन शाने, जल्दी आपको थिएटर में रिलीज़ करेंगे वो फिल्म को, तो मुझे लगता है की बात करें तो उन्हें बाहर नहीं भेजा जाता है, इवन कि दूसरे शहर में भी नहीं भेजा जाता है, लेकिन आपकी फैमिली जो है उसने सपोर्ट किया, आपको बॉलीवुड तक जाने का मौका दिया, क्या कहना चाहेंगे बाकी परिवारों को भी जिनकी बेटियाँ हैं? कहना चाहूँगी कि देखो, अगर किसी के अंदर डेफिनेटली जेन्युइनली अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो उसे जाना चाहिए और उनके माँ बाप को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर टैलेंट नहीं है तो आप कोशिश ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली फिर यही होगा कि हम तो इंडस्ट्री में गए थे, इंडस्ट्री बहुत ख़राब है और इंडस्ट्री से हम किस तरह से हम बेइज्जत होकर वापस लौटे हैं और हमें मालूम है इंडस्ट्री कैसी है, ये सब बातें होंगी। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है और टैलेंट के साथ साथ आप एक अच्छे, आपका बिहेवियर अच्छा है, आपका नेचर भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले टैलेंट से भी पहले आपका बिहेवियर देखा जाता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। अगर आपकी, आपके पर्सनालिटी को, आपके नेचर को पसंद ना किया जाता, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को जो है वो पसंद नहीं किया जाता, तो टैलेंट उसके बाद आता है, पहले इंसान पसंद आता है। तो जो भी लोग इंडस्ट्री के बारे में गलत बात करते हैं वो जाके गलत लोगों से मिलते हैं, इसलिए वो इंडस्ट्री के बारे में गलत बात करते हैं। ये भी कहा जाता है कि कुछ एक चुनिंदा लोग हैं जिन्हें बॉलीवुड में काम मिलता है, लेकिन अर्जुमन क्या कहेंगी इसको लेकर, क्योंकि अर्जुमन की तो कोई इस तरह की बैकग्राउंड नहीं थी। देखिए, मैं ये कहूँगी कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको काम ज़रूर मिलेगा, और अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो फिर चाहे कुछ भी कर लें आप, आपको काम नहीं मिलेगा। और बाकी सारी बातें फिजूल हैं, क्योंकि एक एक फिल्म के लिए कम से कम 1000
800 ऑडिशंस होते हैं और उसमें से एक छोटे से छोटे करेक्टर के लिए भी बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं और उसमें से बहुत चुनाव करके फिर लिया जाता है। तो इसमें किसको काम दिया जाता है और किसको नहीं दिया जाता है, मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे कोई इस तरह की कॉन्स्पिरेसी है कि मतलब जो जिनको बॉलीवुड के अंदर के लोग हैं सिर्फ उन्हीं को काम मिलता है। आप इंडस्ट्री पूरी खोल के देख लीजिए कि वहाँ पे जितने भी बड़े कलाकार हैं, जितने भी पुराने कलाकार हैं, वो सब बाहर से ही तो आए थे। वो कोई इंडस्ट्री के कलाकार नहीं थे, सब बाहर से ही आए थे, सब बाहर से ही आते हैं। लेकिन वो कुछ लोगों को ऐसे टाइपकास्ट कर दिया, ये इंडस्ट्री के हैं, बाकी इंडस्ट्री के नहीं हैं। जो कई सालों से काम कर रहे हैं वहाँ पे लोग, कई सालों से कलाकार हैं जो बात नहीं करते हैं सामने आके, मगर अपना काम चुपचाप से करते रहते हैं, तो वो इंडस्ट्री के बाहर के लोग हैं। बहुत सारे इंडस्ट्री के बाहर के लोग हैं और इंडस्ट्री सबकी है, ये किसी एक इंसान की इंडस्ट्री नहीं है। जिसके अंदर टैलेंट होगा इंडस्ट्री में वो काम कर सकता है और ये इंडस्ट्री उसकी है। किसी ज़माने में की बात करें, पीछे चलें तो अर्जुमन भी एक आम जम्मू की लड़की हुआ करती थी, लेकिन अब खास हैं क्योंकि बॉलीवुड तक कदम रखा है आपने, तमिल फिल्में आपने की हैं, और उन लड़कियों को जिनके अंदर टैलेंट है प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, कोई सलाह आपसे लेना चाहती हैं तो उन्हें आप क्या सलाह देंगी, या आपकी सहायता अगर कोई लेना चाहता है तो क्या? इन सब चीज़ों में ये भी डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, आप लोगों को सही समझते हैं या गलत समझते हैं, या फिर आप गलत लोगों को भी अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप उनको सही रास्ते पर लेके आके उनके साथ काम करें, तो ये भी एक तरीका है काम करने का। बाकी हर तरह के लोग हर जगह पाए जाते हैं, तो मुश्किलें तो सबके, आपके, आप कितना नॉलेज है आपके अंदर, आप कितना समझ सकते हैं। ये जो कला होती है ना, ये एक खुदाई चीज़ है, रूहानी चीज़ है, जिसकी वजह से, जिसमें क्या होता है कि इसमें किस्मत भी बहुत आपका साथ देती है। इसमें अगर आपकी किस्मत में है कि आप मतलब सही जगह पे पहुँचें और सही लोगों के साथ काम करें और आपको आपके टैलेंट को सही मतलब एक स्टेज मिले, तो मुझे लगता है कि वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए काम करने के लिए, और माँ बाप को भी रोकने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सच में टैलेंटेड है और उसको काम मिलता है, रिस्पेक्टफुली काम मिलता है, तो डेफिनेटली करना चाहिए। और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं, अच्छी अच्छी फिल्में करनी चाहिए। मतलब जो आप एक्चुअली में क्या गलत फहमी लोगों की क्या है कि वो समझते हैं कि सब कुछ फिल्म इंडस्ट्री का है, यू नो, तो बहुत सारी फिल्में इंडस्ट्री के प्रोफेशनल लोग बनाते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं बाहर से जाके शौक में फिल्में बनाते हैं, यू नो, तो जो शौक की फिल्में होती हैं वो एक दो फिल्म बना के लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो उनका काम यही है फिल्में बनाना, तो वो फिल्में बनाते रहते हैं। और असल में कश्मीर पर अर्जुमन, जम्मू कश्मीर असल में उनके साथ काम करने से आप इंडस्ट्री के साथ काम करने जैसे होते हो, यू नो। तो मेन जो बात मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह की फिल्में बनती हैं और अलग अलग टॉपिक होते हैं, अलग अलग जेनर होते हैं फिल्मों के, आप किस जेनर में काम करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है। यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो ऐसी फिल्में करना चाहती हैं जिसके अंदर उनके उनकी बॉडी, खूबसूरत बॉडी दिखाई जाए, उनका खूबसूरत फेस दिखाया जाए, उनकी खूबसूरती को दिखाया जाए, और बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जिनकी कहानियाँ इतनी पावरफुल होती हैं कि आप कहानी के लिए एज ए उस कहानी का कैरेक्टर बनना चाहते हो, पार्ट बनना चाहते हो। तो ये आपको पहले चुनाव करना पड़ेगा कि आप किस तरह की फिल्म करना चाहते हो, किस तरह के लोगों के साथ काम करना चाहते हो, और उस तरह के लोगों के साथ में आप ये नहीं सोच सकते कि ये अब हम जाएंगे और ये हमको मतलब साइन ही कर लेंगे और हमारे साथ काम ही कर लेंगे। आपको प्रूव करना पड़ता है, जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं करेंगे तब तक आपको काम मिलना मुश्किल होता है। कितना फ़ख्र महसूस होता है अर्जुमन मुगल को कि वो जम्मू कश्मीर की लड़की हैं और मुंबई में जाकर अपने कामयाबी के झंडे हैं वो गाड़े हैं? कामयाबी के झंडे तो अभी गाड़ने बाकी हैं, ये तो शुरुआत है, अभी तो कुछ भी नहीं किया है मैंने। और मैं अपने आप को, मैं समझती हूँ कि ये मैं बहुत कमज़ोर और बहुत ही नाकाबिल इंसान हूँ, और मुझे लोगों ने इस काबिल समझा और मुझे काम दिया फिल्मों के अंदर। मैं उन सब लोगों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे साथ काम किया। और मैं अभी एक्चुअल में जो मेरा मकसद है वो ये मकसद है मेरा फिल्मों में काम करने का कि मैं जिस तरह की फिल्में मैं करना चाहती हूँ, मैं उस तरह की फिल्में जो हैं उस तरह की कहानियों का पार्ट बनूँ और मैं फिर यू नो प्रूव करूँ अपने आप को उस तरह से। सो मेरा जो आई फील प्राउड ऑफ माई स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, और मुझे यहाँ के लोगों से बहुत हमदर्दी है और सबके लिए मेरे मन में बहुत प्यार है, तो मैं बहुत दिल से चाहती हूँ यहाँ के लोग। जम्मू कश्मीर की बात करें तो आप जम्मू कश्मीर आई हैं, कितने समय के बाद जम्मू कश्मीर में आना हुआ आपका? अभी मैं ऑलमोस्ट 5 साल के बाद आई हूँ, और मैं एक्चुअली मैं जम्मू कश्मीर को बहुत मिस कर रही थी,
तो अर्जुमन जो हैं वो अपने पुराने घर लंबेड़ी की बात करें तो वहाँ पर भी जाएंगे जहाँ पर आपका बचपन बीता है, तो कैसा लग रहा है वहाँ पर जाते समय? एक्चुअली मैं सच पूछें तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं तो अपने गांव को बहुत मिस कर रही थी तो अभी मुझे जाने का मौका मिला है अपने गांव, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं सबसे मिलना चाहती हूँ, सबको देखना चाहती हूँ, मुझे सबकी बहुत याद आती है। पिछली बार भी मैंने आपका इंटरव्यू किया था लेकिन उस वक्त आप मुंबई में थे, अब आप जम्मू कश्मीर में आए हैं, तो क्या मैसेज आप जम्मू कश्मीर की पूरी जनता है उसको देना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, ज़िंदगी में प्यार से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। प्यार मोहब्बत जो है यही ज़िंदगी का असली मकसद होना चाहिए, और सब मिलजुल के प्यार से रहे और मोहब्बत को आम कर दे। एक और आखिरी सवाल, जो हमारे देश की लड़कियां हैं उनको लेकर क्या देना चाहेंगे आप, जो अभी बॉलीवुड की तरफ जाना चाहती हैं या कोई भी काम जो है वो अपनी शिद्दत से करना चाहती हैं लेकिन उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता तो हौसले उनके दम तोड़ जाते हैं रास्ते में ही, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपने हौसले पे अटल रहो, अपने लिए खुद प्लान बनाओ पहले और अपने प्लान पे खड़े रहो। जो लोग आपको रास्ते में आके बहकाते हैं उनके बहकावे में मत आओ, और कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपकी कोई मजबूरी नहीं है कि कोई आपसे अगर कहता है कि आप कुछ गलत करो हमारे साथ तो हम आपके साथ काम करेंगे, आपकी कोई मजबूरी नहीं है आप उनके साथ गलत करो। आपको कोई ज़बरदस्ती, इंडस्ट्री में इतने प्योर और सच्चे और अच्छे लोग हैं कि वो कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करता है। आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं इस दुनिया में, हर जगह आपको लोग मिलेंगे। लड़की एक क्या चीज़ होती है, फीमेल एक क्या होती है, पूरी दुनिया का हर इंसान मेल जो है वो लड़की को पसंद करता है, तो हर कोई अपनाना चाहता है लड़कियों को और हर दुनिया की हर जगह में अपनाना चाहता है। तो इंडस्ट्री में भी अगर लोग ऐसा कोशिश करते हैं आपकी, तो आपकी मर्ज़ी है। आप अगर उन्हें पसंद करते हैं तो आप उनके साथ में कुछ भी करें, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मना करें ना, आपके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती वहाँ कोई नहीं करता है। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुमन, फिर कभी आपसे एक बार मुलाकात करेंगे और जो बाकी बातें हैं वो बाद में करेंगे, मुझे पता है कि आपको जल्दी है, आप जल्दी जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करें। थैंक यू वेरी मच, इट वॉज़ वेरी नाइस टू मीट यू। ये थी अर्जुमन मुगल जो कि हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई थी और बातचीत जो थी वो कर रही थी। और अर्जुमन मुगल की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लंबेड़ी गांव की बात करें तो वहां की अर्जुमन रहने वाली हैं और बॉलीवुड तक पहुंची हैं, तमिल फिल्मों में हाथ इन्होंने आजमाए हैं और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और बाकी लड़कियों को भी ये सलाह दे रही हैं कि जो आप करना चाहते हैं पूरी ईमानदारी से करें, सफलता एक दिन बिल्कुल आपके साथ होगी। और काफ़ी समय बाद अपने गाँव अपने जम्मू कश्मीर लौटी हैं और भावुक भी हुई हालांकि, क्योंकि काफ़ी समय बाद ये यहाँ पर आई थी। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त है, फिर एक नई शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक दें इजाज़त आप।